सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। यूके टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है, कितना प्रोसेस टाइम है आज की डेट में? यदि आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो यूके में आज की डेट में जो टाइम लग रहा है वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि आपकी फ़ाइल कहाँ सबमिट हो रही है और आपकी फ़ाइल कैसे प्रोसीड हो रही है। यूके में ये चीज़ ज़रूर है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, चाहे आप चंडीगढ़ में सबमिट करें, चाहे आप दिल्ली में सबमिट करें, चाहे आप जलंधर में सबमिट करें, कहीं पे भी इंडिया के पार्ट में करें, वो ऑलरेडी फाइल जो असेस होती है वो ऑनलाइन ही होती है। और वो वीज़ा ऑफिसर यूके में भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वीज़ा ऑफिसर कहीं पर भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता कि आप फाइल सबमिट कहाँ करते हैं। बट ये ज़रूर है कि आप यदि किसी और जगह पे है, लाइक इंडिया से बाहर है, तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट डिफरेंट हो, जल्दी आए, वो एक डिफरेंट पार्ट है। बट यदि आप इंडिया में रहते हुए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस टाइम लगभग सेम ही रहने वाला है। और आज की डेट में जो प्रोसेस टाइम चल रहा है वो ऑलमोस्ट 30 दिन का चल रहा है, और आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो लगभग 30 दिन में आने वाला है। तो जब भी आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जाएं तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है उसके बाद एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है VFS की। तो VFS में जाके आपको अपने बायोमेट्रिक करवाने और एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और वहाँ पे आपके पासपोर्ट से लेके एवरी डॉक्यूमेंट स्कैन होता है और सारे डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिए जाते हैं जो लेके आप अपने साथ आ जाते हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती रहती है, और आज की डेट में बायोमेट्रिक देने के बाद लगभग एक महीना आपको वेट करना पड़ रहा है, और एक महीने बाद यूके के टूरिस्ट वीज़ा आ रहे हैं। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट नॉर्मल है, जिनकी फ़ाइल ओके है, जो एलिजिबल है, उनको वीज़ा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का रिफ्यूज़ल हो रहा है, या ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को वीज़ा मिल रहा है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको वीज़ा मिल रहा है, और आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे टीम के साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी एप्लीकेशन अप्लाई भी करवा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।